के बाद में कैमल वाला आपको सीधा कैंप लेकर आ जाएगा, जो कि सनसेट पॉइंट के पास में है। तो हमें शाम को जाना है सैम सैंड्यूज। तो उसके लिए कुछ पैकेजेस अवेलेबल है जो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, जैसलमेर फोर्ट के यहाँ से। तो अभी हम लोग एक ऑफिस में आए, इनका नाम है KK ट्रैवल्स। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, हम लोग खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये हमें क्या गाइड करते हैं, बिकॉज बहुत सारे गाइड यहाँ पे आपको मिस गाइड करते हैं, तो वो चक्कर में पड़ने से अच्छा आप यहाँ पे आके इंक्वायरी करके कंफर्म कर सकते हैं व्हाट एवर यू वांट। तो चलिए बात करते हैं। कम से कम 40 मिनट का ड्राइव है। हाँ, आप 4 बजे करीब वहाँ पर पहुँचे थे। हाँ, गाड़ी है आपके पास? बाइक है। तो 4 बजे करीब पहुँची वहाँ पर। वहाँ पर पहुँचते ही कैमल राइड होगा, और कैमल वाला सामने ये डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट घुमाकर अच्छा। उसके बाद में आपको सनसेट पॉइंट के ऊपर ड्रॉप करेगा। ओके, वहाँ पे आप फोटोग्राफी करो, सनसेट देखो, और सनसेट के बाद में कैमल वाला आपको सीधा कैंप लेकर आ जाएगा, जो कि सनसेट पॉइंट के पास में है। अच्छा, यहाँ पर आते ही आपका वेलकम होगा। उसके बाद में शाम को आईटी स्नैक्स है, राजस्थानी आईटी स्नैक्स रहेगा, चाय नाश्ता। उसके बाद में राजस्थानी फोक डांस का प्रोग्राम है, इसमें आपके 2 फीमेल डांसर, 1 मेल डांसर और 7-8 म्यूजिशियन रहेंगे बजाने वाले। ओके, राजस्थानी फोक म्यूजिक और डांस, इनका 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद में डीजे रहता है और डिनर रहता है रात को 8:30 से 10:30, जिसमें टोटली वेज फूड है, 10-12 वेराइटी रहेगा। आप डिनर लो और डिनर के बाद में आपकी वापसी रहेगा, रात को करीब 10-10:30 बजे आप वापस रिटर्न होंगे। ओके, 10-10:30 बजे। रोड सर से एकदम, मतलब रोड एकदम एकदम अच्छा है, पूरा डबल रोड है और एकदम अच्छा रोड है, आप कभी भी आ सकते हैं, रात को मिडनाइट भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पैकेज कितना है आपको? ये आपको पूरा पैकेज पड़ेगा, जिसमें कैमल राइड, सनसेट, आईपी स्नैक्स, राजस्थानी फोक डांस, डीजे, डिनर और डिनर के बाद में वापसी। ये 2 लोगों का पड़ेगा आपके 1500 रुपए। तो अभी टाइम हो गया 3:55 और हमें निकलना है सैंड ड्यून्स के लिए। उन्होंने हमें 4:30-5 बजे तक बुलाया था, बट जैसलमेर फोर्ट कवर करते करते टाइम हो गया, फिर खाना भी नहीं खाया था, फटाफट अभी खाना खा लिया हम लोगों ने, और अभी निकल रहे सैंड ड्यून्स के लिए। यहाँ से कितना है, 47 मिनट्स 45 किलोमीटर। यहाँ से 45 किलोमीटर से और 47 मिनट बता रहा, तो हम लोग को ये कवर करना है 4:30 तक। चलिए अच्छी, तो चलिए चलते सैंड ड्यून्स। 42 किलोमीटर 47 मिनट्स और नाउ वी आर लीविंग फॉर सैंड ड्यून्स। तो वहाँ पे एक केक के रिजॉर्ट सफारी करके है, वहाँ पे हमने बुकिंग की है अभी जैसलमेर फोर्ट से, तभी वहाँ पे पहुँचेंगे। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 4 बजे। तो हम लोग ऑलमोस्ट सैंड ड्यून्स के नज़दीक पहुँचे, और ये देखिए यहाँ पे कैंपिंग सब है। तो अभी बता रहा है 7 मिनट्स। तो 4:29 हुआ है और हम लोग पहुंच गए सैंड ड्यून्स, और अभी हमें वो कैंप ढूंढना है जो हमने वहाँ से बुक किया था जैसलमेर फोर्ट के यहाँ से। अभी भी 3 मिनट्स बता रहा है, लेकिन ये वाला रास्ता बता रहा है, चलो देखते हैं। और ये हम लोग हमारे कैंप रिजॉर्ट के नज़दीक पहुँच रहे हैं। तो कब से हम यही सोच रहे थे कि सैंड क्यों नहीं दिख रहा है सैंड, और यहाँ से सैंड चालू हो गया है। जैसे कि 1 मिनट पर हमारा कैंप है के रिजॉर्ट एंड कैंप, हमने गलती से राइड ले लिया था। तो अभी पहले कैंप पे जाते हैं और फिर देखते हैं पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। जो है वो तो बताया गया है, बट अभी उसका एक्सपीरियंस क्या है वो देखते हैं। एक तो कैमल राइड है, और उसके बाद में फोक डांस है, डिनर है, डीजे है, हमें एडीजी राइड भी करनी है, तो वो अगर हम लोग करते हैं तो वो भी मैं कवर करता हूँ इस ब्लॉग में।
तो अंत तक बने रहिए, जाइए मत कहीं पर, बिकॉज कोई धमाल होने वाली है अभी।